हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारी शुगर इंडस्ट्रीज है नदन इंडिया में और शुगर इंडस्ट्री जो हमारी है पेनिनसुलर इंडिया में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसको आपको यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारी क्वेश्चन है, ये हमारी यूपीएससी 2021 की ज्योग्राफी जो पेपर टू में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो गिव ए रीजन अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द शुगर इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया। उत्तरी और प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बीच अंतर का तर्क सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, सिंपल, शुगर इंडस्ट्री हमारी नॉर्थ इंडिया में कैसी है, उसका क्या नेचर है, और पेनिनसुलर इंडिया में है उसका क्या नेचर है, इसको आपको सिंपली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले शुगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। शुगर इंडस्ट्री हमारी क्या है, एक तरह से एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है और ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बाद। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारी आ जाएंगी कॉटन की इंडस्ट्री, जूट की इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिल्क इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज के बाद हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज जो हमारी क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की। और शुगर इंडस्ट्रीज आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है, 4 लाख डायरेक्टली जो पीपल हैं इन्वॉल्व हैं शुगर इंडस्ट्रीज में, और इंडायरेक्टली भी बहुत सारे लाखों फार्मर हमारे इससे बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, और शुगर इंडस्ट्रीज की नंबर की बात करें तो इंडिया में 1950-51 में 139 थे, जो कि 2010-11 में 662 हमारी हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं और उत्तर प्रदेश में हमारी दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आती है। तो नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो जो शुगर की जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश और आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी, और बिहार में बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे शुगर इंडस्ट्रीज। पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया में आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सिनेरियो ऐसा हो जा रहा है कि पहले नॉर्थ इंडिया में शुगर मिल्स ज़्यादा हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा साइड ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है, शुगर मिल्स की जो संख्या है वो आपको पेनिनसुलर इंडिया में खासकर महाराष्ट्र में ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो उनका भी रीज़न है कि फेवरेबल जो हमारी कंडीशंस हैं शुगर इंडस्ट्रीज की, वो हमारी पेनिनसुलर इंडिया अभी खासकर ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले अंतर है कि जो पेनिनसुलर इंडिया है वो हमारी क्या है कि ओशियन के करीब है। ठीक है, ओशियन के करीब है और ये हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे पाई जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते आप बोल सकते हो कि जो क्लाइमेटिक की जो एडवर्स कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रही है पेनिनसुलर इंडिया में जितनी हमारे इंटीरियर में यानी कि नॉर्थ इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो ये हार्श क्लाइमेट हमारे नॉर्थ इंडिया में और ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर इंडिया, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के चलते जो हमारी शुगर केन की जो यील्ड है, ठीक है, शुगर केन की जो यील्ड है वो पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादा है, स्पेशली तमिलनाडु और महाराष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पे कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो पर एकड़ में आप बोल सकते हो कि जो शुगर केन की प्रोडक्शन होती है अभी फिलहाल तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, और इसके चलते आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे डिफरेंस तो होगा कि प्रोडक्टिविटी हमारी पेनिनसुलर इंडिया में शुगर केन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नदर इंडिया। तो पहला हमारा डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया कि ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ शुगर केन अभी हमारी नया यहाँ पे रिसर्च के द्वारा लाई गई है। ठीक है, इसके चलते हमारी पेनिनसुलर इंडिया में जो सुक्रोज की कंटेंट है यानी पेनिनसुलर इंडिया में जो हमारी शुगर केन की प्रोडक्शन होती है उसमें जो सुक्रोज की कंटेंट है या मिठास की जो कंटेंट है वो हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नदर इंडिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्टिविटी भी पेनिनसुलर इंडिया में अच्छी खासी हो रही है, सुक्रोज की जो कंटेंट है यानी मीठा की कंटेंट है वो भी हमारी ज़्यादा है, चीनी की कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो शुगर केन की प्रोडक्शन में चीनी भी ज़्यादा यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया से हमारी यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो पेनिनसुलर इंडिया में क्रशिंग जो पीरियड है, ठीक है, यानी शुगर केन की जो अवेलेबिलिटी है हमारी 7 से 8 मंथ की है। ठीक है, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में यही जो क्रशिंग पीरियड है हमारी 3 से 6 मंथ है। तो इसके चलते यहाँ पे जो शुगर केन की इंडस्ट्रीज हैं उसको लंबे समय तक उनके इनपुट यानी कि शुगर केन मिलती रहती है, इसी चलते साल में
7 से 8 मंथ पेनिनसुला इंडिया में शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज है हमारी चलती हैं, और यहाँ पर नदर इंडिया में 3 से 6 ही मंथ चलती है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं पेनिनसुला इंडिया में जो अभी नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं, और नदर इंडिया में हमारी पुरानी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी शुगर इंडस्ट्रीज हमारी इस्टेब्लिश हुई है। ये भी हमारी एक डिफरेंसेस है। इसके अलावा आप बात करो कि शुगर जो मिल्स होती हैं लार्जली क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ऑपरेट होती है, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ऑपरेटेड होती है शुगर मिल्स। और ऐसा देखा गया कि पेनिनसुला इंडिया में खासकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात करें तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी शुगर मिल को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रही हैं एज़ कम्पेयर टू नदर इंडिया, ठीक है। तो ये भी हमारी एक तरह से डिफरेंस देखने को मिलती है पेनिनसुला इंडिया में शुगर इंडस्ट्रीज और नदर इंडिया के बीच में, शुगर इंडस्ट्रीज के बीच में। तो ये हमारी मेजर डिफरेंसेस है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके अलावा मेजर डिफरेंसेस यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके उसको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।